Change your life. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं स्पंज केक, जिसके लिए चाहिए पिसी हुई चीनी, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, ऑयल चाहिए आधा कप, और ये मैदा एक कप, दो अंडे और वनीला एसेंस आधा चाय का चम्मच। ये चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। चीज़ें निकालने के बाद मैंने पतीले को जो है आग दिखाई है उस पर मैंने चढ़ा दिया है, अंदर इसके स्टैंड रखा है, ऊपर ढक्कन दे दिया है, ये गरम हो रहा है, हमारा तंदूर तैयार हो रहा है जब तक कि हम केक बनाएं। मैदा डाला, उसके अंदर मैंने डाला बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, मिक्स किया, एक साइड कर दिया। दूसरे बाउल में दो अंडे, कोई जर्दी इसकी जो है अलहदा नहीं करनी, दो अंडे लिए, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, कोशिश करूँगी कि इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँ, ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए तो फिर इसमें मैं दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छा जी, ये जो है मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, अब इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर चीनी पिसी हुई जो कि 1/4 वाला कप मैंने लिया है, और ये मैंने 3/4 कप यानी कि ये तीन मैंने इसके अंदर डालने, एक डाला थ्री फोर्थ मेजरमेंट हमने चीनी की लेनी है, एक कप अगर हम मैदा ले रहे हैं तो। आहिस्ता आहिस्ता इसको, अभी थोड़ी डाली है, एक हिस्सा यानी कि चार हिस्सों में से एक हिस्सा डाला है मैंने, हमने चार हिस्सों में से तीन हिस्से चीनी डाल दी है, तो अभी ये दूसरा हिस्सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, लेवल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करनी है ताकि इसके अंदर कोई चीनी की गुठली उठली ना रह जाए। देखें बिल्कुल मिक्स हो गया, अब जो है ये तीसरा हिस्सा कप का जो है मैं डाल रही हूँ, और चौथा हिस्सा कप का जो है वो बच गया है उसमें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है कप से थोड़ी कम चीनी, पिसी हुई चीनी जो है एक कप से थोड़ी कम डालिएगा, ओके हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको बीट कर रही हूँ, इसमें अब और चीज़ें जाएंगी, ऑयल आधा कप, और वनीला एसेंस आधी चाय की चम्मच। मिक्स करना है इसको अच्छे तरीके से, अच्छा अब इसमें जो हमने मिक्स करके रखा था आटा, मैदा और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये मैंने मिक्स कर दिया, और इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स करना है, बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार करना है हमने।
थोड़ा सा दूध मैंने इसके 3-4 चम्मच जो है मैंने ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इतना गाढ़ा मुझे नहीं, बस ये जो है आप देख लें इतना ही पतला रखना है हमने। अगर आप का इतना रहता है तो ठीक है, वरना ये मैंने केक जिसमें बेक करना है उस बर्तन को ग्रीस किया पहले, और फिर उसमें ये मैं अपना जो बैटर बनाया है वो ऐड किया। अच्छा जी, ये पहले से जो गरम रखा था मैंने दिखाया था आपको पहले भी, उसमें मैंने ये रख दिया है और ऊपर ढक्कन दे दिया है। नीचे आग जो है जैसे हम दम पे रखते हैं चावल उतनी ही है, थोड़ी ज़्यादा है, बाद में मैं इसे कम करूँगी। जैसे दम पे रखते हैं चावल बस इतनी ही आग होनी चाहिए, 35 मिनट लो फ्लेम, बिल्कुल चावल के दम वाली आग हो बस, इससे ज़्यादा नहीं। 35 मिनट के बाद ये देखें केक मेरा जो है अच्छी तरह से बेक हो चुका है। वाह क्या कलर आया है, चेक कर रहे हैं छुरी लगा के साइड में तो हो गया, सेंटर में से चेक करें, बिल्कुल तैयार है ये छुरी जो है वो साफ निकल आई है, कुछ भी इस पे नहीं लगा हुआ। आग जो है बंद कर दी और इसको अब मैं निकालूंगी, यहाँ से निकाल लिया है। ये जी हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है, होरेन को दिखा रहे हैं, होरेन के लिए सरप्राइज है कि हमने क्या बनाया है। वाओ, होरेन कह रही है वाओ यम्मी केक। होरेन को अच्छा लगा है, बड़ा मज़े का, इसकी स्पंजीनेस मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितना सॉफ्ट बना है। ये हमने रात को भी खाया, सुबह को भी खाया था, इतना ही ये नरम था, बहुत परफेक्ट अच्छा बना है। आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप से ये केक कैसा बना। अल्लाह हाफिज़।